बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने 4 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। बांग्ला फिल्मी सितारों पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। तीसरे लिस्ट में कई फिल्मी सितारों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 123 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कल जो उम्मीदवार घोषित किए गए थे बीजेपी की तरफ से, उसमें 4 सांसदों को भी इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है, क्योंकि ये बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से इसलिए खेला गया है ताकि जो पकड़ उनकी अपने संसदीय क्षेत्र में है उसका प्रभाव बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी पड़े। जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार को सामने उतारा है उनका नाम है रिंकू नस्कर। और रिंकू जादवपुर को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं क्योंकि वो यहाँ की 2 बार काउंसलर भी रह चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ जी हिंदुस्तान पर मौजूद है खुद रिंकू नस्कर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जी हिंदुस्तान पर। नमस्ते नमस्ते। जादवपुर को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, चलते हुए अगर हम बात कर ले, जादवपुर को आप बेहतर तरीके से समझती हैं, 2 बार आप काउंसलर रह चुकी हैं, इसका फायदा क्या लगता है मिलेगा आपको? हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं। काउंसलर हूँ या नहीं हूँ इसका, इससे बीजेपी पार्टी का खूब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी जो है पश्चिम बंगाल का जो जनता है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि वो पार्टी को ले आएंगे। तो इसके लिए मैं सिर्फ पार्टी का एक सोल्जर हूँ जो पार्टी के लिए काम करूँगी। ये कहा जा रहा है कि टफ सीट होने वाली है जादवपुर की, अगर बात कर ले विधानसभा की, क्योंकि CPM का गढ़ रहा है, कैसे देखती हैं? नहीं, जब अगर आप प्रीवियस कुछ देखे जो 2011 में जब इलेक्शन हुआ था तो ये तो वामपंथी जो हमारा जो पहले का CM था बुद्धदेव भट्टाचार्य वो भी यहाँ से हार गए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। जादवपुर का जो वोटर्स है दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द पॉलिटिक्स। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सीट बहुत बीजेपी के लिए खूब बहुत सारा टफ होगा। आपने बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात की लेकिन मनीष गुप्ता भी हारे थे। हाँ, सुजन हाँ, चक्रवर्ती आ गए। हाँ, हाँ, तो ऐसे में तो लगता है कि कहीं ना कहीं CPM ने जो खोया था मनीष गुप्ता के तौर पर फिर उन्होंने वो सीट हासिल कर ली। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो जनता है, ये हमारा जादवपुर का जो पीपल जो आर माने वोटर्स है, ये लोग बहुत सचेतन है। वो वोट देने से पहले ये सोचते हैं कि कैंडिडेट या पार्टी जो ओवरऑल जो इंडिया का पॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है तो इसके ऊपर ही माने उन लोगों का माने उन दे आर कास्ट देयर वोट। तो क्या आपकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि आप समझती हैं इस वार्ड को, इस कंस्टिट्यूएंसी को, और अगर लोकसभा सीट जादवपुर की बात कर ले वो भी TMC के खाते में है, तो TMC भी पूरी जोर लगाएगी, CPM भी पूरी जोर लगाएगी, उसमें रिंकू नस्कर की रणनीति क्या होनी है? 10 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो ये जो हमारे यहाँ के जो 102 नंबर वार्ड का जो जनता है वो जानते हैं जो मैं कैसे काम करती हूँ। और इस 10 साल में पूरा जो जादवपुर है, इस जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग भी मुझे जानते हैं कि मैं कैसे काम करती हूँ। मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है कि मैं 10 साल में CPM का था ज़रूर, लेकिन CPM पार्टी ने मुझे इस तरह से यूटिलाइज करने का बात कभी सोचा नहीं था जो बीजेपी पार्टी ने सोचा है। और यंग जनरेशन का जो बात है, जो यंग जनरेशन का एक कैंडिडेट हूँ मैं, तो जो बेरोजगारी जो वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा इशू है आज के लिए, जो इंडस्ट्री नहीं हो रहा है यहाँ पर, जो सरकारी जो नौकरी है उसको पाने के लिए आपको लाखों रुपया देना पड़ता है, तो इसीलिए जो युवा का जो वोट है वो शायद मैं सोचती हूँ कि वो बीजेपी के फेवर में ही पड़ेगा। बीजेपी में क्या कुछ पसंद है? नहीं, आइडियोलॉजिकल अगर आप देखें तो बीजेपी जब फर्स्ट टाइम से शुरू हुआ था उसका जो एजेंडा था आज भी वही है। जो मैं सोचती हूँ कि बीजेपी पार्टी ऐसी एक पार्टी है जो पार्टी देश के लिए सोचती है, देश के उसके आगे सबसे पहले देश है। तो ये पार्टी तो सिर्फ ये नहीं है, अगर आप देखें तो ओवरऑल ऑल ओवर माने वर्ल्ड बीजेपी इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट पार्टी। व्हाई माने ये मैं पूछा क्यों, क्योंकि इंडिया का जो जनता है वो तो सब लोग तो मूर्ख नहीं है ना, तो सब लोग जब 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था
तो इतने जनमत से वो लोग पावर में आए थे, तो शायद जब सारा देश का लोग बीजेपी पार्टी को मानते हैं तो मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा एक जो जनता के लिए सोचता है ये इंसान क्यों, वाई शुड आई नॉट ज्वाइन द बीजेपी पार्टी। पार्टी जो जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जादवपुर, क्योंकि टफ सीट ये मानी जा रही है, इसको मतलब लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार? जी एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो रिंकू जी जो कि कह रही हैं कि इन्होंने जो काम किया है उसके लिए, क्योंकि दो बार काउंसलर भी रह चुकी हैं, लोग इनको जानते हैं, लोगों के बीच जाना है और पहली प्राथमिकता पानी की समस्या रहेगी, साथ ही साथ जो केंद्र की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं जो पहुँच नहीं पाती हैं गरीबों तक, उस योजनाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं तक को गरीबों तक पहुँचाना ये इनका लक्ष्य रहेगा। और ये उतर चुकी हैं चुनावी मैदान में और इनको पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार सीपीएम का गढ़ जो माना जाता है जादवपुर उसमें सेंध लगाएंगी और बीजेपी का कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन जयंत के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, जी हिंदुस्तान।